नवरात्र के नौमी का शुभ मुहूर्त। रीवा से राजेंद्र, सिमरिया से केपी और सिरमौर से बीजेपी प्रत्याशी दिव्यराज ने भरा नामांकन। सिमरिया से कांग्रेस के अभय ने भरा पर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नवरात्रि के नौमी के दिन शुभ मुहूर्त में भाजपा व कांग्रेस समेत अन्य दलों के आधा दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। यहां रीवा कलेक्टर कार्यालय में बने 6 विधानसभाओं के आरओ कार्यालय में सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक चहल कदमी रही है। ऐसे में रीवा से भाजपा के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सिमरिया से केपी त्रिपाठी और सिरमौर से दिव्यराज सिंह ने नामांकन भरा है। इसी तरह सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा ने पर्चा दाखिल कर दिया है। दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में हवन व पूजन किया, साथ ही अपने अपने क्षेत्र के देवी मंदिरों में जाकर अर्चना की, फिर समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए गाजे बाजे के साथ रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते हुए आम जनता को संबोधित कर वोट की अपील की। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कहा कि 68 सिरमौर, 69 सिमरिया, 70 त्योंथर, 73 मनगवां, 74 रीवा और 75 गुड़ विधानसभा के नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो गई। यहां पुराने कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 1 में सिरमौर, कक्ष क्रमांक 2 में सिमरिया, कक्ष क्रमांक 3 में त्योंथर, कक्ष क्रमांक 15 में गुड़, कक्ष क्रमांक 23 में मनगवां और कक्ष क्रमांक 26 में रीवा विधानसभा क्षेत्र के नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।